हेलो गाइस, आज की एक्सरसाइज हम मेरे मरीन फ्रेंड्स के लिए है जो शिप में एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए मैं एक पांच इजी सी एक्सरसाइज लेके आया हूँ। सबसे पहले आप एक डंबल लीजिए, डंबल थ्रस्टर का एक पार्ट है, इसमें आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए। आप डंबल को ऐसे उठाइए और ऊपर की तरफ थ्रस्ट कीजिए, नीचे रखिए। आप कंटिन्यू इसको वन हैंड से भी कर सकते हैं, और अगर आपका स्टेमिना अच्छा है तो आप इसको दोनों हाथ से भी कर सकते हैं। देखिए, पहले एक हाथ से इसको ऊपर कीजिए, आराम से नीचे आइए, नीचे रखिए वेट को, और फिर दूसरे हाथ से इसके आप 10-10 रेप्स के आप तीन सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है, जो डंबल थ्रस्टर का एक अगला पार्ट है, आप इसको भी उसकी जगह रिप्लेसमेंट की तरह कर सकते हैं। इसको आप अपने शोल्डर पे लीजिए और देखिए ऊपर की तरफ पुश कीजिए, थ्रस्ट कीजिए। ये आपकी एक पहली एक्सरसाइज होगी। जो अभी आपकी जो दूसरी एक्सरसाइज होगी वो होगी आपकी डंबल स्विंग, जैसे हम कैटल स्विंग करते हैं। ये डंबल स्विंग अगर जैसे हमारे पास अवेलेबल नहीं रहते हैं शिप्स में, तो हम डंबल स्विंग से कर सकते हैं। आप अपने कोर को एकदम टाइट रखिए, अपने ग्लूट्स पे नीचे बैठिए, और डंबल को एक बार फ्रंट में, फिर एक बार लेफ्ट साइड, और फिर राइट साइड को उसको स्विंग कीजिए। यह आपकी एब्स के लिए, शोल्डर के लिए, अपर बॉडी के लिए, इवन आपकी थाइस के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी। आप अपनी अपर बॉडी को इससे टोन कर सकते हैं। जो हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे वो हम करेंगे बेंच में जंप के साथ। आप इसमें बेंच में या कोई भी बॉक्स ले सकते हैं, शिप में आपको इजीली ये चीज़ें मिल सकती है। बस ध्यान रखिए कि वो आपका स्टेबल रहे, क्योंकि शिप में हम जानते हैं वेदर बहुत ख़राब होता है, तो उसमें आप इसमें गिर भी सकते हैं। तो जब आपका काम वेदर हो तभी एक्सरसाइज करें, एक साइड जंप फिर दूसरी साइड जंप। आपको क्या करना है, बेंच को जो आपको स्टेबल करना है, अपने हाथ से नीचे की तरफ पुश कीजिए, तो आपकी बेंच कंप्लीटली स्टेबल रहेगी। ये आपकी एब्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगली एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो हम करेंगे बारबल थ्रस्टर। बारबल थ्रस्टर अगेन आपके शोल्डर के ऊपर, जो आपका वेट है, आपकी जो अपर बॉडी है, पूरी अपर बॉडी पे आएगा। आप शोल्डर विड्थ पे बारबल को पकड़िए, धीरे से देखिए नीचे बैठिए। जब आप ऊपर उठेंगे, ऊपर उठते ही आपको बारबल को ऊपर की तरफ थ्रस्ट करना है। ये एक्सरसाइज आपकी अपर बॉडी को पूरी तरीके से टोन रखेगी, और आपके कोई से भी जो काम होंगे उसमें आप इजीली कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज जो आपकी होगी वो होगी आपकी डेडलिफ्ट। अभी हम लोअर बॉडी के लिए भी एक एक्सरसाइज करेंगे। डेडलिफ्ट आपकी लोअर बॉडी, जो आपकी थाइज है, उससे नीचे की बॉडी के लिए असर करेगी। अभी हम लोअर बॉडी के लिए जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेडलिफ्ट में आप ऐसी ग्रिप ले सकते हैं, और उसके बाद आप धीरे से ऊपर उठिए, कोर को एकदम टाइट रखिए, हाथ आपका एकदम टाइट रहना चाहिए। उसके बाद आप जब लिफ्ट करेंगे तो आपकी बैक पे कोई आर्च नहीं आना चाहिए। वेट आप मिनिमम ले सकते हैं, और इसमें वेट भी बढ़ा सकते हैं। ये आपकी कंप्लीट अपर बॉडी के लिए काम करेगी। शिप में जैसे कि आपके कम इक्विपमेंट रहते हैं, ये पांच एक्सरसाइज से आप अपनी पूरी बॉडी को टोन कर सकते हैं। आप इसको एक सर्किट में भी कंप्लीट कर सकते हैं, या डिफरेंट सेट्स में भी आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू।